दूसरा प्रश्न यही वाजपेयी जी का इसमें और है कि महाराज एक चीज और बताओ, दिलीप थे, भगीरथ थे, उसके पहले हरिश्चंद थे, तब भी वशिष्ठ थे, और वशिष्ठ तब भी थे जब राम जी आए, उसके बाद वशिष्ठ तब भी थे जब लवकुश हुए, राजा हुए, जबकि वो दीर्घजीवी में उनका नाम भी नहीं। बात तो सही है। इसी तरह से हमारे पूर्वज, में आपके एक छोटे से उत्तर से बता देता हूं, हमारे पूर्वज महर्षि उपमन्यु, उनके पुत्र अवस्थी वाजपेयी, तो वो अवस्थी आज तक है, हमारे बाबा के रूप में थे, फिर हमारे पिता के रूप में, आज मेरे रूप में है, कल मेरे बच्चों के रूप में होंगे। अवस्थी जी तो चले आ रहे हैं, और वो हजारों साल से अवस्थी जी चले आ रहे हैं। उसी तरह से वशिष्ठ जी तो चले आए, लेकिन उन वशिष्ठों के नाम अलग अलग थे, उन्हीं के पुत्र, उन्हीं की संतानें। अगर हरिश्चंद्र जी गए तो उनके बाद, चलो वो योगी सन्यासी हैं, तो उन्होंने तीन तीन पीढ़ियां या चार पीढ़ियों तक उनका उपरोहित कर्म किया होगा, तीन चार पीढ़ियों के बाद तो गए, तो उनका पुत्र फिर वहां बना, फिर उनका पुत्र बना, और इस तरह से उनकी भी सृष्टि तो आगे बढ़ रही थी। उनका जो सरनेम है वो वशिष्ठ आगे चला, और आज भी वशिष्ठ की संतानें, ब्राह्मणों में कितने वशिष्ठ ब्राह्मण हैं, सारी तो उन्हीं की संतानें। अब आप ये कहो कि ये वशिष्ठ जी आज जिंदा नहीं, आज भी जिंदा है, जितने वशिष्ठ ब्राह्मण हैं उनके रूप में वो आज भी जिंदा है। जिन जो लोग अपना गोत्र नहीं लिखते और उनका वशिष्ठ जी से रिलेटेड गोत्र है, तो वो वशिष्ठ जी उनके अंदर जिंदा है। तो भैया हमारे पूर्वज हैं वो, तो वो पूर्वज जिंदा रहेंगे, उनके नाम पे ही हम आगे चल रहे हैं। आपको इस प्रश्न का भी वाजपेयी जी उत्तर मिल गया होगा, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी सही उत्तरित हुआ होगा। ये जो परित्यक्ता सेंटेंस आया है, ये परित्यक्ता माता सीता के लिए जिसने भी शब्द यूज किया है, मैं उनका नाम लेकर के उनकी बेइज्जती नहीं करना चाहता, जगत जननी साक्षात जगदम्बा के लिए परित्यक्ता शब्द जिन्होंने भी किया है, और आप माफ करिए, आप खुद स्त्री हैं, और स्त्री होकर के जगत जननी के लिए इस तरह के शब्द नहीं लिखने चाहिए, क्योंकि माता का परित्याग कौन कर सकता है, वो तो जगत जननी है, और वो महाप्रभु परम ब्रह्म परमात्मा, वो महामाया, वो दोनों आत्माएं एक शरीर में रहती हैं, वो कण कण में दोनों व्याप्त हैं, उनका परित्याग कौन कर सकता है। उनके लिए आप इस तरह के सेंटेंस कृपया ना लिखें, क्योंकि मुझे कष्ट होता है। हरि हर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। भैया हमें बहुत कष्ट होता है अगर कोई भगवान की निंदा करता है, तो हम ये जानते हैं कि उसमें गौ हत्या के बराबर पाप पड़ता है। अगर हम आपका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ होता है भाई, हम आपसे जीत नहीं सकते, हम आपको वहां पर कुछ कह नहीं सकते, तो वहां पर उसका उपाय बताया है शास्त्रों ने कि हम अपने कान बंद करके वहां से पराई भाग जाएं, भाग जाओ, सुनाई ना पड़े। या तो आपके अंदर दम है तो उसके मुंह को रोक दो कि आप ईश्वर की निंदा नहीं कर सकते। इस निंदा का कानून मुसलमानों के लिए तो सब जगह कानून है कि उनके इस निंदा कानून बनाओ, यहां भी इस निंदा कानून की मांग कर रहे हैं, और वही हमारे ईसों की, हमारे इष्ट देवों की क्या क्या बोलते हैं। हमारे लिए कानून नहीं होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अब वो कानून नहीं है तो हमारे अपने लोग ही उनकी तरह तरह की बातें करते हैं। खैर, तो ये गलत है। माता जी, जिस जो भी आप हैं बहन जी, इस तरह के शब्द कृपया ना लिखें।
परित्यक्ता नहीं जगत जननी माता सीता हमेशा भगवान श्री राम के साथ थी, हैं और आजीवन हमेशा रहेंगी, उनको कोई अलग कर ही नहीं सकता।